बांदा में घोषणाओं के जरिए जन जन तक पहुंचेगी कांग्रेस। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं के जरिए विधानसभा बबेरू 233 के गजन सिंह पटेल ने 6 घोषणा पत्र के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया है। किसानों का पूरा कर्जा माफ, 2500 में बिकेगा धान गेहूं की फसल, 400 रुपए पाएगा गन्ना किसान, बिजली बिल सबका हाफ होगा, कोरोना काल का बकाया साफ, दूर होगी कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 2500, 20 लाख को सरकारी रोजगार, संविदा कर्मियों और ठेकेदारों को नियमित क्रम, कोई भी हो बीमारी का होगा मुफ्त इलाज, वचन निभाने का लिया है संकल्प, नथु प्रसाद पटेल। सर आपका नाम जानना चाहता है, आपका परिचय बताएं पहले आप। गजेंद्र सिंह पटेल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी, 233 विधानसभा बबेरू। क्या लगता है आपको कि कैसे आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? इस देश की आज़ादी से लेकर के आज़ाद देश में इस देश को ढांचागत विकास के साथ खड़ा करना, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा मुद्दा है। किन किन गांवों का दौरा किया है आपने? मुझे लगता है कि मैं 22 साल से इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार संघर्ष करता रहा, उस संघर्ष का परिणाम है कि कोई भी गांव, उस गांव का मजरा बाकी नहीं है। और मेरी व्यक्तिगत सभी जात धर्म संप्रदाय के लोगों से निजी संबंध भी हैं, जिसका कांग्रेस को भारी पैमाने में ताकत और समर्थन मिलने वाला है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस के पास वोट नहीं है, क्योंकि ऐसी जातिवादी मानसिकता के लोग ही बोलते हैं। कांग्रेस जात की, धर्म की, संप्रदाय की, झूठ और पाखंड आडंबर की बात नहीं करती है, इंसान और इंसानियत की बात करती है, कभी झूठी बात नहीं करती। इजाफा हुआ है वोट बैंक में? ये तो 10 तारीख को परिणाम बताएगा कि जितने भी जातवादी मानसिकता के आधार पर चलने वाले दल हैं उनकी जमीन खिसकती नजर आएगी।